भारत के स्वतंत्रता संग्राम में कई ऐसे वीर सपूत हुए हैं जिनके योगदान के बिना हमारा आजाद भारत अधूरा होता। इनमें से एक महान व्यक्तित्व थे लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, जिन्हें उनके अद्वितीय योगदान और साहसिक विचारों के लिए हमेशा याद किया जाता है। तिलक ने न केवल स्वतंत्रता संग्राम को एक नई दिशा दी बल्कि भारतीय जनमानस में स्वतंत्रता के प्रति जोश और जागरूकता का भी संचार किया। उनके विचार इतने प्रभावशाली थे कि महात्मा गांधी ने उन्हें आधुनिक भारत का निर्माता कहा। 23 जुलाई 1856 को महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले में गंगाधर रामचंद्र तिलक के घर जन्मे बाल गंगाधर तिलक का प्रारंभिक जीवन एक साधारण परिवार में बीता। उनके पिता संस्कृत के विद्वान और शिक्षक थे, जिनसे तिलक को शिक्षा और संस्कृति का महत्व सिखाया गया। तिलक ने पुणे के डेक्कन कॉलेज में गणित में प्रथम श्रेणी से स्नातक की उपाधि प्राप्त की और इसके बाद LLB की पढ़ाई पूरी की। 1871 में मात्र 16 वर्ष की आयु में उनका विवाह सत्याभामा बाई से हो गया। शिक्षा के प्रति गहरी रुचि के कारण तिलक ने शिक्षक के रूप में अपने करियर की शुरुआत की, लेकिन विचारधारा में मतभेद के कारण उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र को छोड़कर पत्रकारिता में कदम रखा और मराठी साप्ताहिक केसरी और अंग्रेजी साप्ताहिक मराठा की शुरुआत। इन समाचार पत्रों के माध्यम से तिलक ने जनमानस में स्वतंत्रता की भावना जागृत की। लेकिन तिलक का सपना केवल पत्रकारिता तक ही सीमित नहीं था। उन्होंने 1880 में विष्णु शास्त्री चिपलूंकर और गोपाल गणेश आगरकर के साथ मिलकर न्यू इंग्लिश स्कूल की स्थापना की। इसके बाद 1884 में तिलक ने डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना की, जिसका उद्देश्य भारतीय युवाओं को उच्च गुणवत्ता की शिक्षा प्रदान करना और उनमें राष्ट्रीयता की भावना का विकास करना था। इस सोसाइटी ने 1885 में फर्ग्यूसन कॉलेज की स्थापना की, जहां तिलक गणित पढ़ाते थे। राजनीति में उनकी रुचि बढ़ती गई और 1890 में उन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस में शामिल होकर सक्रिय राजनीति में प्रवेश किया। लेकिन तिलक की विचारधारा कांग्रेस की मुख्य धारा से भिन्न थी। वे लाला लाजपत राय और बिपिन चंद्र पाल के साथ मिलकर उग्रवादी धारा के प्रमुख नेता बने और इस त्रिमूर्ति को लाल पाल बाल के नाम से जाना गया। 1896 में आए बुबोनिक प्लेग के दौरान सरकारी कठोरता के खिलाफ तिलक ने अपने समाचार पत्र केसरी में लेख लिखे, जिससे जनता में असंतोष बढ़ गया। तिलक पर विद्रोह भड़काने का आरोप लगा और उन्हें 18 महीनों की सजा सुनाई गई। जेल से रिहा होने के बाद तिलक एक राष्ट्रीय नायक के रूप में उभरे। तिलक ने स्वराज के विचार को जन जन तक पहुँचाने के लिए गणपति उत्सव और शिवाजी उत्सव की शुरुआत की, जिसने आम जनता में आत्मसम्मान और एकता की भावना को मजबूत किया। इन आंदोलनों ने स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और ब्रिटिश शासन के खिलाफ एक सशक्त हथियार बने। तिलक के नेतृत्व में 1905 के बंगाल विभाजन के विरोध में स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हुई, जिसने ब्रिटिश वस्त्रों के बहिष्कार को बढ़ावा दिया। उनकी उग्रवादी विचारधारा के चलते कांग्रेस के भीतर विभाजन हुआ, जिसे 1907 में सूरत विभाजन के रूप में देखा गया। हालांकि 1916 के लखनऊ समझौते में यह विभाजन समाप्त हुआ, जहां तिलक ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तिलक ने अपने जीवन में 3 बार देशद्रोह के आरोपों का सामना किया। 1909 में उन्हें 6 साल की सजा सुनाई गई और उन्हें बर्मा के मांडले जेल में रखा गया। 1914 में रिहा होने के बाद तिलक ने होम रूल लीग की स्थापना की और स्वराज के लिए आंदोलन को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। 1 अगस्त 1920 को बंबई में तिलक का निधन हुआ, लेकिन उनका संघर्ष, उनकी विचारधारा और उनके बलिदान ने भारत की स्वतंत्रता की नींव को मजबूती दी। तिलक ने कहा था, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। आज के स्वतंत्र भारत में भी तिलक उन मानवीय गरिमा के प्रतीक है जहाँ स्वराज सबसे ऊपर है। आजादी की 78वीं वर्षगांठ पर हम सब उन्हें प्रणाम करते हैं। जय हिंद, जय भारत।